नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आज पुनः एक न्यू वीडियो लेकर के आप सभी के लिए। आप सभी हमारे चैनल को सुनते आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी के लिए हम जरूरी औषधियां जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, बिना दवाओं के कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, जैसे हम लोग कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी है। दोस्तों, हमारे शरीर को भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खान पान की हैबिट्स और एक्सरसाइज, भाग दौड़ यानी कि वर्कआउट, जो निरंतर हम करते रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। फिर भी कई बार हमारे इन्फेक्शन हो जाता है हमें, या फिर हम बीमार हो ही जाते हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को अगर औषधियों के द्वारा दूर किया जाए तो सबसे बेहतर होता है। और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो चीज़ें बताएं या जो औषधियां बताएं, वो आपके लिए कोई भी लॉस देने वाली ना हो, फ़ायदेमंद हो। आज मोटापा को कम करने के लिए हम एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का वज़न सबसे ज़्यादा तेज़ी से वर्कआउट करते वक्त घटता है। दोस्तों, जब भी हम मेहनत करते हैं, चाहे दौड़ें या किसी भी प्रकार का जिम में पसीना बहाएं, हमारा वज़न सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटता है। या फिर सोते वक्त भी तेज़ी से वज़न घट सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप रात को हैवी डिनर ना करें, लाइट डिनर लें। जो लोग सोने से 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, उनके शरीर पर रात को वज़न घटाने वाले नुस्खों का असर तेज़ी से होता है। दोस्तों, इसीलिए जब आप मोटापा कम करना चाहते हों तो सोने जाने से 2 या 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। इसके बाद आज हम कुछ एक औषधियां बता रहे हैं जिनका प्रयोग कीजिए, आपका वज़न तेज़ी से कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों, और अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका वज़न तेज़ी से कम हो सकता है। दोस्तों, हम आज आप सभी को एक पाउडर बनाने की विधि बताते हैं, जिसे आप बनाते हैं और इसका जैसे हम सेवन करना बताते हैं, करते हैं, तो आपका वज़न सबसे तेज़ी से कम हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें यूज होने वाली औषधियों को आप नोट कर लीजिए। हम बता रहे हैं, आप पेन और कॉपी लेकर के नोट कर लें, ताकि आपको मार्केट से लाने में आसानी होगी। दोस्तों, नंबर 1, आपको सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, हल्दी चाहिए हैगा आपको। नंबर 3, अलसी चाहिए होंगे, अलसी के बीज। नंबर 4, जीरा चाहिए होगा आपको। नंबर 5, कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम भी बोलते हैं लोग इसको। नंबर 6, हरड़। और नंबर 7, हींग चाहिए होगा दोस्तों आपको। ये सुनने में आप सभी को बहुत ज़्यादा लग सकता है कि ये सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर आप मार्केट से इन्हें आसानी से ला सकते हैं। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन्हें लाइए। हाँ, हो सकता है कि इसमें से 1-2 आपको न मिल पाए, तो भी आप ये चूर्ण बना सकते हैं, ये औषधि बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक नहीं मिला तो औषधि नहीं बनेगी। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से सौंफ, जीरा और हरड़, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी को स्किप ना कीजिए। आप ध्यान रखें कि सौंफ, जीरा और हरड़, इन तीनों में से कोई भी मिस ना हो, ये तीनों होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हरड़ पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान पर जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको हरड़ नहीं मिल पा रही है तो इसकी जगह पर आप त्रिफला चूर्ण यूज कर सकते हैं। हरड़ की जगह ये सेम काम करेगा। दोस्तों, पहले कोशिश करें कि हरड़ मिल जाए। अगर हरड़ नहीं मिलती है तो आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ पाउडर हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है। जिन लोगों को भी बाहर का खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, या फास्ट फूड खाने की आदत पड़ी हुई है, या फिर मीठा ज़्यादा खाने की आदत है, उन्हें हरड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है, जिससे कि पेट में जमी चर्बी तेज़ी से कम होती है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, दोस्तों, इस पर ध्यान देते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें अलसी, जीरा और सौंफ को भूनना पड़ेगा। आप भून लीजिए अलसी, जीरा और सौंफ को। अगर आप चाहें तो मार्केट में सिकी हुई अलसी भी ले सकते हैं, या फिर आप घर पर अलसी को भूनते हैं
तो आप ध्यान रखें कि 25 ग्राम अलसी को भून लें। इसे तवे या कढ़ाई में आप भून सकते हैं। भूनते वक्त आपको जो मुख्य बात का केयर करना है, ध्यान रखना है, वो ये कि आपको मध्यम आँच पर भूनना है, इसको कम आँच पर, मीठी आँच पे भूनना है, नहीं तो जल सकता है, नीचे से जलने लगेगा, पूरे अच्छे से नहीं भुनेगा ये। और भूनते वक्त ध्यान रखें, एक तो आँच कम हो, नंबर टू इसको चलाते रहें, निरंतर चलाते रहें, ऐसा नहीं कि डाल करके छोड़ दे भून रहा है, ऐसे नहीं करना है। आप कढ़ाई में या तवे पर डाल लीजिए, इसको चलाते रहिए। इसके काला होने से पहले आपको गैस को बंद कर देना है, इसे काला नहीं होने देना है। इसकी पहचान ये होगी कि जब अलसी को आप भून रहे होंगे तो इसका आकार जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसा आपने भूनना शुरू किया होगा उससे पहले जैसा होगा उससे आकार में परिवर्तन आ जाएगा, ये थोड़ी गोले टाइप की हो जाएगी जब भूनेंगे आप, तो तभी आप बंद कर दें, मतलब सुनहरा भून लेना है आपको, इसको काला नहीं करना है। सेंकते वक्त इसे ध्यान रखें कि आपको चलाते रहना है निरंतर। अब इसे आपने भून लिया मध्यम आंच पर, अब इसमें मुख्य बात आपको एक और ध्यान रखनी होगी दोस्तों, कि इसमें से कोई भी चीज़ आप जब भूनते हैं तो वो जले नहीं, कोई भी चीज़ जब भूनते हैं तो जले नहीं, कोई भी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको जीरा और सौंफ ये दोनों भी भूनना होगा आपको, 25-25 ग्राम की मात्रा में ही ये दोनों भी ले लें और इनको भून लें दोस्तों, अच्छे से भूने, जैसा मैंने ऊपर बताया ठीक इसी प्रकार से आपको भूनना है। 25 ग्राम अलसी ले लीजिए, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए और 25 ग्राम जीरा ले लीजिए। इन तीनों को अब भुना हुआ ले लिया आपने, इसको मिक्सर में अच्छी तरह से चलाकर इसका पाउडर बना लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस पाउडर को। और इस पाउडर का आप क्या करना है आपको, क्योंकि ये पाउडर आपका तैयार है, इस मिश्रण में 25 ग्राम हरड़ पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच सेंधा नमक मिला लीजिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको सेंधा नमक नहीं मिल पाता है तो आप काले नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें 2 चम्मच हींग और लगभग 25 ग्राम कड़ी पत्ते का पाउडर मिला लीजिए। कड़ी पत्ते का पाउडर आसानी से आप घर में ही बना सकते हैं दोस्तों। घर पर आप कड़ी पत्ता लाइए, उसे धूप में सुखा दीजिए, जब ये अच्छे से सूख जाए इसे बुकनी यानी कि आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पेस्ट बना सकते हैं, आपको इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस प्रकार से ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस मिश्रण को बनाने में उपयोग की गई सारी चीज़ें शरीर में जमे फैट को बर्न करती हैं। हमने इसमें अलसी का प्रयोग किया है दोस्तों। अलसी के अंदर फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे डाइजेशन को मजबूत और बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है ये। जिनको भी पेट की बीमारी हो, कब्ज गैस की शिकायत हो, उन्हें अलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से मीठी और तली हुई चीज़ों को खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, या यूं कहें बराबर हो जाता है। इस चूर्ण का प्रयोग खाना खाने के बाद रात को सोने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए दोस्तों। जब भी आप इस दवा का सेवन करें या औषधि का सेवन करें, आप ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद रात को सोने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ ले लें, ठंडे पानी के साथ ना लें। आपको इसका असर जल्दी दिखने लगेगा, और जल्दी अगर आप असर चाहते हैं कि इसका हो तो आप इसे रात के अलावा दिन में भी 2 बार ले सकते हैं। इसका सेवन 1 बार में 1 छोटा चम्मच ही करना चाहिए। ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में न लें, नहीं तो आपको ये फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है। हम आपको अपने पहले भी वीडियोज में बता चुके हैं कि अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र बरजयत दोस्तों। इसीलिए अति नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ठीक वैसे ही आप उचित मात्रा में यानी कि 1 छोटा चम्मच आप ले लीजिए, आपके लिए लाभकारी साबित होगा दोस्तों। इस चूर्ण में मौजूद कड़ी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि पेट की चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ हमारे दिमाग को शांत करने में भी बहुत मदद करती हैं। दिन भर की थकान के बाद इसका सेवन करने से माइंड रिलैक्स होता है दोस्तों। और साथ ही जिनको भी बाल झड़ने और बाल पकने की समस्या होती है,
उनके लिए तो यह रामबाण के जैसा काम करता है दोस्तों। जब इस औषधि को आप इस्तेमाल कर रहे हों तब आपको एक खास बात का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि उस दौरान आप फास्ट फूड का सेवन ना करें, अत्यधिक मीठा ना खाएं, क्योंकि एक तरफ तो आप वजन कम करने की चीज़ों को ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप तली हुई चीज़ें फास्ट फूड खा रहे हैं तो आपका वजन कम नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको इन बातों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि जिससे वजन बढ़ता है उन चीज़ों को ना लें डाइट में। हेल्दी डाइट लें लेकिन तली हुई, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज करें, बहुत मीठी चीज़ों से परहेज करें। अगर इस नियम को आप बनाए रखते हैं और इस औषधि को निरंतर लेते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे दोस्तों कि आपका वज़न कंट्रोल में हो जाएगा, आप फिट दिखने लगेंगे। हम आप सभी के लिए नई औषधियाँ लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। आप चाहें तो हमारी वीडियोज को पहले देखने के लिए आसानी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वीडियोस पहले मिल जाएंगे दोस्तों। ये था हमारा आज का देशी नुस्खा आप सभी के लिए दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।